असलम एवरीवान क्या हाल है आप लोग के जी आज चौदह अगस्त शुरू हो चुकी है आप तमाम लोगों को तहे दिल से आज़ादी बहुत 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 मुबारक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल द पाकिस्तानीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड आज मैं लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में एपिसोड नंबर एलेवन तमाशा सीज़न थ्री का रिव्यू जी और आज मैंने कोई पॉइंट नहीं लिखा है क्योंकि आज की एपिसोड में मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है लाइक इट वॉज़ गुड एंड बैड एंड बैड एंड गुड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फड्डे को लेके सायमाा बलोच को वजीर साहब समझा रहे हैं प्लीज़ आप अनम को इस तरीके से पर्सनल हिट ना करें आप अनम को भी जाकर समझाएं मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ ठीक है सायमा अनम दोनों मेरे लिए बराबर हैं बट सही है आप एक दूसरे को जब एक बंदा वो कहते हैं ना आप एक उंगली जब किसी को उठा रहे हैं तो तीन उंगली आप पर लग रही हैं तो इसी तरीके से आप ख्याल करें कि जब दूसरा बंदा आप उंगली उठा रहा है इकलौती एक, एक तो वो तीन उंगलियाँ उस पर भी जा रही हैं मगर मुझे लगता है ये लड़कियाँ बिल्कुल पागल हो चुकी हैं या तो अपने से बाहर हो गई हैं या उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रही हैं जैसे साया ने कहीं किसी एपिसोड में किसी सीन में बोला है क्योंकि कोई याद नहीं रहता वो क्या बोल रही होती हैं अरे भाई आप नेशनल टीवी पे बैठी हैं खुद खुददाना खास्ता आपने कोई और गलत बात कर दी अभी और जितनी हो गई हैं उसके लिए भी शायद आपको माफ़ कर दिया जाएगा जब बाहर निकलेंगे सब हम शोर कर ही देंगे और नहीं करेंगे तो फिर उनका अपना प्रॉब्लम है बट ख्याल करें महन आई मीन आप उल्टा सीधा कुछ भी अगर बोले जा रही हैं तो ये आप जो बोल रहे हैं ना वो सब रिकॉर्ड हो रहा है सही है यूट्यूब पे भी जा रही है एपिसोड फिर आप लोग बहुत सारे आपके फ़ैन देख रहे होते हैं ट्वेंटी फोर सेवन जैप ऐप पर और आप अगर इस तरीके से बोलते रहेंगे तो फिर तो बहुत ही कुछ बुरा हो जाएगा कल जब कल को जब आप बाहर निकलेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए तो अल्लाह ताला मेरी दुआ आपसे कि आप इन तमाम लोगों के दिलों में थोड़ी सी ये चीज़ लाएं कि वो उस तरह एक दूसरे को पर्सनल अटैक ना करें या गेम है गेम को गेम की तरह खेलें एक दूसरे को इरीटेट करना है बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अगर आपको याद हो हमारे सीजन में भी एक दूसरे को हम लोग इरीटेट करने के लिए क्या कुछ नहीं बोलते थे बट एक फिर भी क्या ना वो था एक चेक था एक बाउंड्री थी उसको क्रॉस नहीं किया था कभी किसी की बॉडी शेविंग नहीं की कभी किसी की जब की तो फिर वो उसके रद्दमल भुगते हैं लोगों ने ठीक है मगर अभी जो हो रहा है उस पर तो मुझे कुछ समझ से बाहर है वजीर बेचारा जाके हाथ जोड़ रहा होता है कभी किसी लोग के सामने तो कभी किसी को समझा रहा होता है यार ऐसे नहीं बोलो यार वैसे नहीं बोलो फिर जुनेद की आवाज़ निकली तो जुनेद ने तो भाई जुनेद हिज पॉइंट वॉज़ वैलिड आई आज वॉज एब्सोलूटी फाइन अगर आपको इशू उठाना था या आप किसी की बात में अगर वापस आके रिएक्ट कर रहे थे तो आप उसको जस्टिफाई करते जब आशा सहमद ने उनको कहा कि आप वजीर हैं आप डिसीजन लें तो उन्होंने वो डिसीजन किया जिसको अटल अटल थे और मुझे लग रहा था वो शायद बदल देंगे प्रेशर में आके बट ही डिड नॉट टेक योर प्रेशर तो अगर मसला था ना तो वो डंडा गिर गया था या जो भी हुआ था डंडा गलत फेंका था ये वाला एपिसोड हम भी खेल चुके हैं यानी ये वाला जो गेम है ये हमारे टाइम पे भी हो चुका है मैंने भी उठाया था शायद पॉइंट और मैं भी कुछ कर रहा था चिक चिक बट चिक, बादशाह सलामत ऊपर बैठे हैं उससे नीचे कौन है वजीर वजीर ने जब डिसीजन ले लिया तो भाई जस्ट ओबे दिस ई रियली लाइक वट जोह डेट जोहैया को कहाँ वो आराम से छोड़ के चले गई अकील भी वॉज लाइक अकील तुम पागल हो क्या हो लाइक like, वो बोल रहे हैं दो लोग आप लोग आउट हैं ठीक है एंड देवर शहरियार एंड आई थिंक धानिया आप क्यों मैदान छोड़ के चले गए वैसे सूरत तो अगर मैं तो आपकी जगह तो वापस आपको आने देता कि भाई तुम गए हो ना तुम जाओ कुछ सोच के तुम गए हो तुम्हें अंदर से कुछ पता होगा एक बात बताऊँ हम सब के अंदर अपना एक सल्फ चेक होता है हम भले किसी से गलत कर रहे हो या किसी के सामने गलत दिखा रहे हो बता रहे हो मगर हमें अंदर से ना हमारे एक एक हमारे अंदर भी हम हैं ना तो हमें वो अंदर से मलामत कर रहा होता है यार सही नहीं कर रहे और वो आ जाता है भाई सबके अंदर सेल्फ चेक है सबके अंदर एक आप हैं जो आप एवेलोएट कर रहे होते हैं कभी कभी ठीक है आप किसी के साथ नाजायज करते करते आप बहुत कुछ अपनी हदूद पार कर चुके होते हैं मगर अगेन बाद में खमियाजा भुगतने से बेहतर है ओ खमियाजा यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज बर्दाश्त uh, करने से बेहतर है क्या पहली बार कितना करें बिंग रेली होने साथ मैंने कोई पॉइंट नहीं लिखा लाइक like, uh, आई एक्चुअली आज इट वॉज़ वेरी लॉन्ग डे एज वेल आई हैड सो मैनी थिंग्स टू डू एंड देन आई जस्ट केम बैक होम वॉच तमाशा उस वक्त खाद ना खाया उसके बाद मुझे एक और इवेंट में जाना था बस मैं अपने काम शाम टपटा के इवेंट पर गया इसीलिए आज, आज रिव्यू ही मैंने लेट बनाया अभी बल्कि फजर के, के नवाज़ के बाद मैंने अभी रिव्यू बनाया है और अभी बज रहा है पाकिस्तान में कराची में सवा पाँच uh, क्योंकि यू के लोग भी देख रहे हैं मैंने देखा कि ऑल द वे लव फ्राम यू के थैंक यू सो वेरी मच मे बी इज बिकॉज ऑफ मानी लिया करते हैं हम ना नई और मे बी वहाँ पेश हैं लोग जो हमें चाहते हैं मुझे चाहते हैं मेरे बातों को समझ रहे हैं या अच्छा कह रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से मैं शुक्र गुजार हूँ उसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी लोग हमारा मेरा चैनल देख रहे हैं मुझे अच्छा कर पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी मैं पढ़ रहा हूँ कि आप बिल्कुल अच्छा रिव्यू नहीं देते जी मैं कोशिश करूंगा क्या मैं बेहतर रिव्यू दूँ और सच्ची बात है आज वाली एपिसोड में लेके मुझे कोई रिव्यू देने को कुछ है ही नहीं तो इससे इसलिए मतलब ये नहीं कि आप लोग एपिसोड नहीं देखेंगे भाई देखें पूरा थोड़ा सा और बना लूँगा छोटा सा क्योंकि जब मैं अच्छा रिव्यू बनाऊंगा तो अच्छे व्यूज आएंगे ना अच्छे व्यूज़ आएंगे तो फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा पैल मोनोटाइज हो जाएगा तो मैं भी पैसे कमाने लगूंगा एनी वेज कमिंग बैक टू तमाशा सीजन थ्री एपिसोड एलेवन ऑल इन ऑल इट वॉज गुड कल के एपिसोड में इंशाल्लाह हम सब उन तमाम बहन भाइयों के साथ जो घर के अंदर मौजूद हैं उनके साथ जिसने आज़ादी बनाएंगे इंशाल्लाह और बादशाह सलामत सहमत में जो एक टास्क दे दिया है आ, वो है ना चोर को पकड़ पकड़े एक के पीछे दूसरा दूसरे के पीछे तीसरा तीसरी चौथा एक पूरी ट्रेन बना के उन्होंने छोड़ दिया है देखते हैं कल क्या मजा आने वाला है उन्होंने आगा को दिया है कि आप मानी की कोई संगत या क्या बोलते हैं आप लोग कचहरी नहीं होने देंगे कोई उनकी जो सेशंस होते हैं वो नहीं होने देंगे नुमान को लगाया है कि आप उनको शायद उनकी कोई बात ही नहीं मानेंगे ना पूरी होने देंगे हमदा को लगाया है कि आप आगा तलाल को इरीटेट करेंगी और अकील को लगाया है कि वो नुमान को ट्री आई थिंक ट्रिगर करेंगे है ना तो ट्रिगर हुए भी हैं नुमान कह रहे हैं क्या लड़ेगा क्या क्या कर रहा है तू भाई जाओ यहाँ से <laughs> तो मज़ा तो आ रहा है कल और मज़ा आएगा आई एम श्योर बट अंडे पे आप लोग लड़ाइयाँ शुरू हो ही गई हैं एक अंडा खाना था दो खा गया कोई चलो उसको कल मत देना कल उसको आपके पता आटा भी नहीं है पर आटा कैसे खाएंगे ब्रेड है ना तो ब्रेड को पता है मज़े का सीन एक हम लोग भी रास्ते में करते थे उसके ऊपर वो आपका जो कश्मीर बनास्पति इतना था रहा है लास्ट टाइम पता नहीं कौन सा था वो लगा के हम सेकते थे इतने मज़े की होती है कड़क कड़क वरना फ्रेंच टोस्ट कोई नहीं बना रहा आई लव फ्रेंच टोस्ट हम यू फ्यू गाइज लव फ्रेंच फ्रेंच ठोस्ट जरूर बताएं मुझे कॉमेंट में तो मैं नहीं बना के खिला सकता इस ऑफकोर्स आई मीन मैं कहाँ बता नहीं आप कहाँ बैठे हूँ मैं कहाँ हो सकता है जिंदगी में कभी ना कभी हम मिलें और हम आपस में बैठ के चाय कॉफ़ी पिए और फ्रेंच ठोस खाएँ बट एनी वेज़ अभी तक आप लोगों को कैसा लग रहा है बल्कि कुछ लोग uh, मैं कॉमेंट पढ़ रहा था कुछ लोगों ने लिखा है पूछा मुझसे कि मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस तमशली सीजन में बॉयज अलग बताऊँ गर्ल्स अलग बताऊँ तो बींग ऑनेस्ट uh, सब अच्छा खेल रहे हैं एक दिन एक अच्छा होता है मेरा फेवरेट होता है अगले दिन वो नहीं होता है बट सो फार क्या मैं नाम लूँ सलान इज डूइंग गुड इज डूइंग गुड एंड मानिए यार आप घर के काम में लगे रहते हैं या तो खाने पका रहे होते हैं या लोगों की बाजी कर रहे होते हैं कि भाई कैमरा में आ रहा है अरे छोड़े यार आप अपने बालों को सेट करें आप क्या दूसरों के लिए भी टेंशन पाल हैं और उसके अलावा लड़कियों में जोया इज़ वेरी गुड एंड ईमान इज़ क्यूट एंड वजीहा यस आई लाइक वजीहा एंड ऑल 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 गुड माही बलोच यस इज ओल्ड फ्रेंड बट वो अच्छी कंपोज बातें कर रही है बहुत शुक्र है सामा का दबाव गया माई पर से तो माई अपना कुछ गेम खेलना शुरू करेंगे एंड uh, हम ना मानी थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग इन टू तमाशा सीजन थ्री क्योंकि ऑफकोर्स इस तरीके से जब यू से लोग आए हैं तो इस तरह यू यूएस से भी लोग आएंगे कनाडा से भी आएंगे ऑस्ट्रेलिया से भी आएंगे दुबई से भी आएंगे बाकू से भी आएंगे मालदीव से भी आएंगे ये वगह हैं जो मैं यू कराया तो नॉट ऑल बट जो जो मुझे नाम जगह याद आ रही हैं तो वो मैं बता रहा यूरोप से आएगी लोग इंशाल्लाह तो कल तमाशा सीजन फोर और बड़ा हो जाएगा इसके अलावा मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप तमाम लोग बहुत अच्छा और... भाई बहुत से लोगों ने क्या दानी को वोट करूँ तो प्लीज़ भाई आप लोग दानिया को जाके वोट करें और मेरी तरफ से सबको वोट करें ठीक है क्योंकि जीतना उसी ने अल्लाह ने जिसको जिताना है और अपना दिमाग से वो खेलें अपनी स्ट्रैटेजीज अच्छी अच्छी बनाएं जो कि हम सोचते थे बनाएंगे पर हम कभी ना बना सकें <laughs> और यार सीधी सी बात है आप लोगों तमाशा घर में गए तो वहाँ तमाशे लगाने गए ठीक है तमाशे लगाएं बस का मकसद ये नहीं कि अपनी एक जो आपका एक इंसानियत है उसके बाउंड्री से बाहर आ जाए जस्ट बी नाइस जस्ट फोकस ऑन योर गेम लिटरीली जहाँ दिमाग में गाने का गेम था वो आपने तबाह तो किया बादशाह सहमद ने अपना गुस्सा भी दिखाया आप लोगों के आप लोग वहाँ वही एक घंटे में भी गेम खत्म कर सकते हैं आपने ग्यारह घंटे चला दिया यानी ग्यारह घंटे आप बैठे हुए बिना वॉशरूम जाए बिना हिले जुले भाई के मोन आई I मीन mean, अकड़ ही गए होंगे आप लोग तो हम श्योर मैंने तो इस वाला जब हमारे टाइम पर था वो खड़े होने का था मैं तो वहाँ दो मिनट के बाद ही भाग गया था क्योंकि मुझे पता था आई कुड नॉट टेक इट फर्दर तो इट बेटर टू यू नो नॉट टू हार्म योर सेल्फ उसके अलावा और मैं क्या कहूँ तब हम लोग खेल ही रहे हैं अच्छा खेल रहे हैं शरियार गुड आपकी माशाला हाइट इतनी अच्छी क्या तो ये छलांग मार गई डंडा पकड़ लेते थे और आ, कुछ आप लोग जूमानी बातें कर जाते हैं और बाद में एक दूसरे को देख के रहे होते हैं हमें भी यहाँ सब समझ आ रहा होता है बट अवॉइड करें अब आपको कैसे जाएगी ये बात वो अल्लाह तहाल आपके दिनों में डालेगा कि आप कुछ बातें करें और मैं अनकट के छोटे छोटे क्लिप्स है ना यूट्यूब पे आ रहे होते तो वो कभी कभी एक दो देख लेता हूँ मैं अनकट टेक्निकल बिंग ऑन इस लिटरी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अनकट देखूँ इसलिए मैं टोटली जो अपना रिव्यू देता हूँ ना वो सिर्फ उस एपिसोड को देख के रहता हूँ जो एयरवाई पर आता है डिजिटल पे रात दस बजे कराची में पाकिस्तान टाइम या बारह बजे कभी अपलोड हो जाता था अभी वो लास्ट टाइम कल परसों की बात है जाए दो बजे रात को अपलोड हुआ है तो उसको देखता हूँ सौ रिव्यू देता हूँ तो गाइज़ मैं देख रहा हूँ अकीलाजिया का कुछ चल रहा है लवी डवी सीन तो बच्चे हैं गेम का हिस्सा है वो पता नहीं गेम में वो बताना चाह रहे हैं दिखाना चाह रहे हैं कि बड़े वो इस तरह हैं बाहर निकल के देखते हैं क्या होगा या क्या पता तमाशा में किसी की शादी ही हो जाए तो बड़ा मज़ा आएगा ऐसा हो तो ढोलकियाँ शोलकियाँ कितना मज़ा आएगा ना हम ढोलकी में वहाँ जाएंगे वहाँ पर कुछ खाने को नहीं होगा टाइम लगाने के लिए क्या लगाएंगे हल्दी लगा रहे होंगे पानी में मिला के बट एनी <coughs> आप लोग अगर कुछ चाहते हैं कोई सजेशन देना कि मैं अपने शो में आई एम प्लानिंग टू बैर वे डू द रिव्यूज अपनी पुरानी टीम के साथ रूबा के साथ मिशेल के साथ और बाकी दानिश के साथ हम प्लानिंग टू डू वंस और लेट्स सी अगर इट्स एन ओपन कॉल टू यू ऑल अगर आप में से भी कोई रिव्यू कर रहा है वाक़ से मेरा ये चैनल देख रहा है मेरा ये एपिसोड देख रहा है तो प्लीज़ मुझे आप यूट्यूब पर डी नहीं होता ब्राने डबल आर डबल डबल एन डबल ए डबल आई सेम नेम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम आम मुझे डीएम करें एंड आई थिंक वी कैन डू सम समलेबोरेशन और हम मिलकर कुछ रिव्यू कर सकते हैं और अगर आप कुछ देखना चाहते हैं बहुत अंकर ही मैं आपके पास बहुत सारे स्टार्स के ना रिव्यूज़ भी लेकर आने वाला हूँ रिव्यूज़ क्या होंगे लाइक जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं एक प्रेमर पे गया था वहाँ मैंने जो भी अवेलेबल स्टार्स थे उन लोगों से पूछा सेलिब्रिटीज से कि आपके ख्याल में अगर आप देख रहे हैं देख रहे हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं कौन आपका फेवरेट है कौन नहीं तो कुछ अरसे में मैं इस तरह के इवेंट्स में अगर मैं गया जहाँ पर मुझे ज़्यादा सारे लोग मिलेंगे तो मैं उनसे रिव्यूज़ भी लूँगा उनके इजहार राय इजहार ख्याल भी पूछूंगा और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो प्लीज़ कीप फॉलोइंग माई चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन टाइकन टाइकन जो भी करना होता है वो सब करें ताकि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहें और और लोगों को भी बताएं कि रानी नाम का कोई चैनल है और वहाँ पे बड़े मजे मजे की बातें होती हैं अगर आपको लगता है तो अपना बहुत ख्याल रखें सुबह हो ही गई है बस अभी हम सोएंगे फिर इन शपहर में उठ के इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और एक इवेंट भी है बातें हो सकता है मैं उसकी कवरेज भी करके आपके साथ शेयर करूँ अपने चैनल पर जी शाहिद आफरीदी आ रहे हैं एक इवेंट पर कराची में हो रहा है तो बाकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह तो देखिएगा अगर आप शाहिद आफरीदी साहब के फ़ैन्स हैं तो मेरा अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़